नमस्कार, मैं हूं सना फिरोज और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में बिहार की बेटी ममता कुमारी ने बिहार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। बुधवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान नेशनल यूथ पार्लियामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पटना के विमेंस कॉलेज की छात्रा ममता कुमारी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इस मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें सम्मानित किया। नेशनल यूथ पार्लियामेंट में पहले स्थान पर महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पर गुजरात के प्रतिभागियों ने जगह बनाई। बता दें कि यूथ पार्लियामेंट में देश भर से चुनकर युवा आते हैं और विभिन्न मसलों पर अपना पक्ष रखते हैं। इसी कार्यक्रम में पटना विमेंस कॉलेज की छात्रा ममता कुमारी ने कनेक्टिंग इंडिया समेत आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों पर अपनी बातों को रखा। इस दौरान उन्होंने भुखमरी को दूर करने के उपाय बताए और उन्होंने सुझाव दिया कि अनाज के पैदावार राज्यों को अन्य राज्यों से जोड़ना भी जरूरी है। ममता के इन्हीं मुद्दों पर रखे गए विचार से उन्हें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, जिसके बाद पीएम मोदी ने उन्हें सम्मानित किया। ममता संपतचक बैरिया की रहने वाली हैं और पटना विमेंस कॉलेज से साल 2016 में इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है। इसमें भाग लेने के लिए ममता ने तीन चरणों को पार किया। पहला डिजिटल स्क्रीनिंग, दूसरे राउंड में विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में बोलने का मौका मिला, जिसके बाद स्टेट लेवल पर बोला। ममता के सुझावों को काफी सराहना भी मिली है। वही ममता अपनी सफलता का श्रेय अपने दोस्तों और अभिभावकों को देती हैं, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। नमस्कार।